एपिसोड 222 फ्यूटाइल एस्केप। मैं किस तरह से मरना और अपनी डेड बॉडी किस तरह से रखना चाहती हूँ, विधि इस सवाल के जवाब के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। वो तो सिर्फ जिंदा रहना चाहती थी। वो समय को रोके रखने की कोशिश में धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और फैंटम उसे अपने कलेक्शन में रखी हुई चीजों के बारे में बताता रहा। विधि ने गुलेल की ओर इशारा करते हुए पूछा, मोहित को बचपन में इसके साथ खेलना पसंद था? उसने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया? फैंटम बड़ी खूबसूरती से मुस्कुराया। अगर उसने तुम्हें ये बात नहीं बताई है, मैं भी तुम्हें क्यों बताऊं? उसे क्या पसंद था और क्या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बस ये समझ लो कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो तुम्हारे जानने के लिए बनी ही नहीं थी। विधि फैंटम के साथ बहस करना ही नहीं चाहती थी। उसने सिर्फ ये रियलाइज किया कि टाइम को डिले करने के लिए ये टॉपिक कोई खास अच्छा नहीं है। इस तरह उसने एक और सवाल पूछा, वहाँ पर वो खरगोश वो कैसे मर गया? इस बार फैंटम ने बात करना शुरू किया और उसे बिना किसी हिचकिचाहट के समझाने लगा कि उस खरगोश के साथ क्या क्या हुआ था। जब मोहित 5 साल का था तो उसे पहाड़ों में घायल खरगोश मिला था। मैंने उससे कहा कि वो उस खरगोश को मुझे दे दे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वो उसे घर लेकर आ गया और उसकी टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने की कोशिश करने लगा। जब भी मैं देखता कि वो जख्मी खरगोश पूरी तरह से ठीक होने वाला है, तब हर बार मैं चुपके से जाकर उसकी हड्डियों को फिर से तोड़ देता था। करीब करीब मेरे 4 बार उसकी हड्डियों को तोड़ने के बाद मोहित रोते रोते मेरे पास आया। फैंटम अपनी यादों में डूबा हुआ था और उसने ध्यान नहीं दिया कि विधि ने चुपके से अपने हाथों में एक टूटा हुआ खंजर छिपा लिया है और धीरे से पीछे हट गई थी। फैंटम ने कांच के पार्टीशन को छुआ और कांच के ऊपर से फॉर्मेलिन में लथपथ खरगोश को सहलाने लगा। इसके सामने के पंजों को देखो, वो टूट चुके हैं। वेल, क्या तुमको लगता है कि इसके दूसरे पंजे भी टूट गए हैं? बिल्कुल टूट गए हैं। मैंने बाद में उस खरगोश को चुरा लिया और उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी। तुम्हें देखना चाहिए था कि उस समय मोहित ने कैसे रिएक्ट किया था। वो जोर जोर से रोया और मुझसे उसे छोड़ देने के लिए भीख भी मांगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं सच में इतना क्रूएल हूँ? फैंटम की आवाज बहुत नरम थी। उसने विधि को देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई और पूछा, तुमको क्या लगता है, क्या मैं क्रूएल हूँ? विधि का दिल तो चाहता था कि वो चीख चीख कर कहे, उसे बता दे कि वो सिर्फ क्रूएल ही नहीं बल्कि सचमुच में एक साइकोपैथ भी है। विधि ने अपने दिल में से जी भर कर कोसा। उसने खरगोश की हालत देखी। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसे किस तरह से टॉर्चर किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बेचारा खरगोश अभी भी चुपचाप से चिल्ला रहा हो। फैंटम को प्रवोक ना करने की कोशिश करते हुए विधि ने उससे पूछा, क्या आपको बचपन से ही मोहित को धमकाना अच्छा लगता है? वो तो आपका बायोलॉजिकल ब्रदर है ना, फिर भी आप उसे इस तरह से क्यों ट्रीट करते हैं? बायोलॉजिकल ब्रदर? फैंटम फिर से हंसने लगा और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक से गुस्से से भर गया। वो कमीना है, एक एक्स्ट्रा, उसे तो इस दुनिया में कभी आना ही नहीं चाहिए था। उसने गुस्से में आकर खरगोश के स्पेसिमेन को धक्का दे दिया और वहाँ का कांच टूट कर गिर गया, जिससे फॉर्मेलिन बाहर निकल कर बहने लगा और जमीन पर दाग लग गया। कमरे की हवा में फॉर्मेलिन की बदबू फैलने लगी थी। विधि बुरी तरह से डर गई और पीछे हट गई। फैंटम जोर से घुर्राया और चिल्ला कर बोला, वो सिर्फ मरने के लायक है। अगर उसकी माँ प्रेग्नेंट नहीं होती तो तुमको क्या लगता है कि वो कभी भाटिया फैमिली में शादी कर पाती? कभी नहीं, वो बेहुदा औरत। मेरे पिताजी सिर्फ मेरी माँ के थे और मेरी माँ के ही हैं। उस बेहुदा औरत को मेरे पिताजी से शादी करने और मरने से पहले एक कमीना बेटा पैदा करने का क्या हक था? इस बार जब भी वो गुस्से में आकर मोहित या उसकी माँ को कोसता था, तो वो कलेक्शन रूम की किसी चीज को धक्का दे देता था और वो चीजें टूट कर बिखर जाती थी। विधि काफी डर गई थी। जिन दो हेल्पर्स ने उसकी मदद की थी वो पहले से ही घुटने टेक चुकी थी और बुरी तरह से कांप रही थी। वो तो जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर सकती थी। फैंटम की बातों से विधि को समझ में आ गया था कि उसके पागल होने की वजह उसके बचपन में उसे प्यार ना मिलना था। वो साइकोपैथ के साथ एक और पल के लिए भी नहीं रहना चाहती थी। जब फैंटम गुस्से से बड़बड़ाते हुए और कुछ तोड़ने के लिए मुड़ा, तो मौका पाकर विधि ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। डायरेक्शन को लेकर विधि की समझ हमेशा से काफी अच्छी थी। जब से उसने उस शिव टेम्पल में एंटर किया था, तभी से उसने सबसे पहला काम
काम जो किया था वो ये था कि उसने चुपके से बाहर जाने का रास्ता याद कर लिया था। वो उन्हें याद करते हुए उन रास्तों से भागते हुए सकरे रास्ते से होते हुए टूटी फूटी मूर्तियों और ऑयल पेंटिंग्स के पास से गुजरते हुए आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद ही उसे एक रोशनी की किरण दिखाई दी। भागने की कोशिश कर रही हो? फैंटम ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। चीखती चिल्लाती हुई वो दो हेल्पर्स भी पकड़ ली गईं। विधि बुरी तरह से हांफ रही थी और उसने महसूस किया कि जैसे उसकी नसों में खून तेजी से दौड़ने लगा है। उसके धड़कते दिल को ऐसा लग रहा था जैसे वो फटकर बाहर आ जाएगा। एक लड़की होने के नाते उसका फिटनेस लेवल काफी अच्छा था, लेकिन फैंटम एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग आदमी था, इसलिए जैसे ही वो शिव टेम्पल का दरवाजा खोलने वाली थी उसने विधि को पकड़ लिया था। जैसे ही विधि ने अपनी लंबी लहराती हुई स्कर्ट को पकड़ा, उसे स्कर्ट फटने की आवाज आई और उसकी पूरी स्कर्ट आधे हिस्से में फट चुकी थी। विधि चीख पड़ी और उसने तुरंत कपड़े के बचे हुए टुकड़े से अपने शरीर को छिपाने की कोशिश की। फैंटम ने पहले ही उसकी ड्रेस फाड़ दी थी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया था। तुम यहाँ से कभी भी बच के नहीं निकल सकोगी, फैंटम ने हंसते हुए कहा। विधि ने अभी भी वो टूटा हुआ खंजर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था जिसे उसने कलेक्शन रूम से चुराया था, और बिना कुछ सोचे समझे उसने फैंटम पर उससे हमला कर दिया। टूटे हुए खंजर के ब्लेड का नुकीला हिस्सा फैंटम के गाल पर लगा और उसके चेहरे पर एक लंबा सा खून का निशान दिखाई देने लगा। फैंटम ने खून साफ करने के लिए अपना हाथ उठाया। तुम पहली लड़की हो जिसने मेरा खून बहाया है, फैंटम ने विधि से खंजर छीनकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा। विधि को उसने इतनी बुरी तरह से थप्पड़ मारा था कि उसकी गर्दन दूसरी तरफ लुढ़क गई और उसका आधा चेहरा दर्द से जलने लगा। विधि का चेहरा सूज गया था और उसके होठों से खून बहने लगा था। जब फैंटम ने उसके होठों पर खून का निशान देखा तो अपनी जीभ बाहर निकालकर उसे चाट लिया। अब हम बराबर हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया विदुषी, फैंटम ने धीरे से विधि के उस गाल को सहलाया जिस पर उसे थप्पड़ मारा था, जिससे वो दर्द से कराह उठी। तुम इतनी कमजोर दिखती हो लेकिन फिर भी तुम बड़ी जिद्दी हो। मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, तुमको सिर्फ एक स्पेसिमेन बनाना बड़ा बोरिंग होगा। अगर मैं तुम्हारी बर्दाश्त करने की लिमिट को टेस्ट करूं तो कैसा रहेगा? मैं तुमको तब तक टॉर्चर करूंगा जब तक तुम अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे दया की भीख नहीं मांगने लगती और फूट फूट कर रोने नहीं लगती। फिर मैं मोहित के लिए इसका एक वीडियो बनाऊंगा, ये सब वाकई में बहुत मजेदार होगा। उसे लगा कि उसका ये आइडिया काफी ब्रिलियंट है और वो हंसने लगा। विधि ने अपने एक हाथ से अपनी फटी हुई लंबी सी स्कर्ट के टुकड़े को संभाल रखा था और उसका दूसरा हाथ फैंटम ने पकड़ रखा था। ऐसे में उसकी जरा सी भी हिलने डुलने की हिम्मत नहीं थी। उसका यहाँ से भाग जाने का प्लान भी फेल हो गया था। क्या वो सचमुच अब यहाँ पर ही मर जाएगी? चाहे उसकी सिचुएशन कितनी भी होपलेस क्यों ना हो, वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे तरीकों के बारे में सोचने के लिए अपने दिमाग को दौड़ाती रही। फैंटम ने विधि की गर्दन अपने हाथों में ले ली और उसे खींचते हुए वापस शिव टेंपल की गहराई में ले गया। तो फिर ठीक है, चलो अब इसे आजमा कर देखते हैं। विधि उसकी पकड़ से करीब करीब घुटने लगी थी और उसके पास स्ट्रगल करने की ताकत भी नहीं बची थी। जैसे ही उसे लगा कि अब वो मरने वाली है, उसे अचानक एक हेल्पर की आवाज सुनाई दी। सर, फैंटम सर, आपका फोन। फैंटम वहीं रुक गया। हेल्पर ने एक नाजुक सी ट्रे पर रखकर फैंटम को उसका फोन दे दिया। नंबर देखने के बाद फैंटम ने बड़ी बेसब्री से कॉल रिसीव कर ली और कहा, हेलो बुड्ढे दादा, क्या बात है, कैसे कॉल किया? वो हमेशा से मिस्टर भाटिया के लिए इसी तरह से डिसरिस्पेक्टफुल रहा था और वो उसे इसी तरह से बेइज्जत करके ट्रीट करता था। हर कोई ये सोचकर हैरान था कि मिस्टर भाटिया जैसा आदमी उसके इस तरह के व्यवहार को इतने सालों से कैसे और क्यों बर्दाश्त करता आ रहा था। मिस्टर भाटिया ने कहा, बेटा फैंटम, विदुषी शर्मा को छोड़ दो, उसे जाने दो। फैंटम उसकी बात सुनकर दंग रह गया था। उसने अपने सामने पड़ी उस लड़की की तरफ देखा जिसकी उसने गर्दन पकड़ रखी थी और वो बुरी तरह से खांस रही थी। बुड्ढे दादा, क्या तुम पागल हो गए? अब मुझे ये मत कहना कि तुमने उसे मोहित की गर्लफ्रेंड के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है, मिस्टर भाटिया ने फोन पर कुछ कहा। शुरुआत में फैंटम का चेहरा क्रूर था, लेकिन बाद में उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे शांत हो गया। फैंटम ने फोन रख दिया और विधि को देखकर उस पर जोर जोर से हंस पड़ा। हाउ इंटरेस्टिंग, फैंटम ने विधि को एक कपड़े की गुड़िया की तरह जमीन पर फेंक दिया। मोहित अब तुमको नहीं चाहता है, वो पहले ही तुमसे अपने रिलेशन तोड़ चुका है।
और अब तुमको अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं मानता है। विदुषी, तुम्हारी हालत तो बड़ी पिटीफुल हो गई है।